आज आप सभी का फिर से स्वागत है। हम बात करते हैं रीजनिंग के टॉपिक नंबर दो, यानी अध्याय दो है। पहली अध्याय में आप अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, दूसरे में अध्याय में भी वर्ड फॉर्मेशन यानी शब्द संरचना इस टॉपिक का नाम है, जिसमें हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं समझाने के लिए इसमें बहुत कम है। कल आपने 6 टाइप के क्वेश्चन किए थे, लेफ्ट राइट वाले क्वेश्चन थे, उसमें कुछ बीच के लेटर थे, क्योंकि सब पूरी तरह अल्फाबेट पर आधारित थे। आज चैप्टर का नाम दो है, यानी शब्द संरचना वर्ड फॉर्मेशन। स्टार्ट करते हैं यहीं से। शब्द संरचना के अंतर्गत प्रश्नों के किसी भी दिए गए शब्दों से दिए गए विकल्पों में से कौन से विकल्प का शब्द बन सकता है या कौन से विकल्प का शब्द नहीं बन सकता है पूछा जाता है। प्रश्नों में अंग्रेजी भाषा एक शब्द दिया रहता है और उनके अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर तथा प्रत्येक अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग करते हुए कितने स्वतंत्र सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं पूछा जाता है। पुनः कुछ प्रश्नों में दिए गए अंग्रेजी शब्दों के निर्देश अक्षरों के द्वारा कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना होता है तथा उस अर्थपूर्ण शब्द के प्रारंभिक या अंतिम या निर्देशानुसार बीच का कोई भी एक अक्षर प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। उपयुक्त प्रकार के प्रश्न आपके अक्षर एवं शब्दों के ज्ञान को जांचने के लिए पूछा जाता है। ये अपनी नॉलेज पर आधारित क्वेश्चन है। अब थोड़ा आगे बढ़ता हूँ मैं इसमें क्वेश्चन में, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, अगर बनते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपका आ सकता है, संभावना है ऐसे क्वेश्चन आने की। अब इसमें दिया गया है, निम्न दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए हुए शब्द ट्रांसफॉर्म से बन सकता है। कहने का मतलब यह है आपके लिए एक शब्द दिया जाएगा, कुछ भी हो, जैसे मान इंडियन दिया है, इंडियन INDIAN इंडियन दिया है, तो आप उसमें से पूछेगा क्या इंडिया बन सकता है। पहले इंडिया की, चलो हम ट्राई करते हैं एक बार, इंडियन की मीनिंग लिखते हैं INDIAN। अब इसमें से पूछ रहा है इंडिया बन सकता है क्या, इंडिया बनना संभव है, चेक करते हैं इंडिया बन सकता है क्या। INDIA जी, इंडिया बन सकता है। बिल्कुल ऐसे ही शब्द दिया जाएगा आपके लिए और शब्द में से पूछा जाएगा कि ये लेटर बन सकता है क्या। एक वर्ड दिया जाएगा, उसके चार ऑप्शन दिए जाएंगे, उस वर्ड में से ही कुछ लेटरों को लेकर उन चार ऑप्शनों में एक शब्द बना हुआ होगा, वही आपको ढूंढना है। अब चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्न दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए हुए ट्रांसफॉर्मेशन शब्द से बन सकता है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। चलो ठीक है, ट्रांस टी आ सकता है, आर आ सकता है, ए आ सकता है, एन आ सकता है, एस आ सकता है, फिर ए आ सकता है, लेकिन इसमें सी ऊपर वाले में कहीं पर भी नहीं है, आप चेक कर सकते हो, और इसमें सी दी है, इसलिए ये रॉन्ग है। अब ट्रांसफर की बात करता हूँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन में पहले ये चेक करूँ ई है क्या, और ट्रांसफर में ई दिया गया है तो ए भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब बात करता हूँ इन फॉर्मेट की, चेक कीजिए, आई दिया है, एन भी दिया गया है, एफ भी दिया गया है, FORMAT जी, सी बन सकता है। अब बात करता हूँ इनफॉर्मर क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन में ई नहीं दिया गया है, आप देख सकते हैं TRANSFORMATION दिया गया है, इसमें ई। अगर अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से, ट्रांजेक्शन नहीं बन सकता है, ट्रांसफर नहीं बन सकता है, इनफॉर्मर नहीं बन सकता है, ओनली इनफॉर्मेट बनेगा, ये द करेक्ट आंसर होगा। अब आप दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर, नीचे दिए हुए विकल्प शब्द उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द से अक्षरों का प्रयोग के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। इसमें क्या क्वेश्चन में क्या था ऊपर वाले में, कि बनाया जा सकता है, इसमें नहीं बनाया जा सकता, तो चेक करते हैं ब्यूटीफुल से FULL बनाया जा सकता है, इसमें ब्यूटीफुल में चेक करेंगे तो एक L है, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा, क्योंकि
ब्यूटीफुल में एक एल दी गई है जबकि फ्यूल में दो एल दी गई हैं। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो फ्यूल नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उसमें फुल नहीं बना से फुल नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें दो एल दी गई हैं जबकि ब्यूटीफुल में एक एल है। अब बात करोगे फ्यूटाइल क्यों नहीं, फ्यूटाइल को चेक करते हैं तो देखो ऊपर एफ यू दिया गया है, एफ यू है, टी ऊपर दिया गया है, टी है, आई ऊपर दी गई है, टी आई है, एल ई है, फ्यूटाइल बनाया जा सकता है ऊपर वाले लेटर से। अगर बात करता हूँ लाइफ, एल आई एफ ई ऊपर ब्यूटीफुल में दी गई है तो लाइफ भी बनाया जा सकता है। बी ई टी ऊपर बी ई टी दिया गया है ब्यूटीफुल में तो बी ई टी भी बनाया जा सकता है। इधर करेक्ट आंसर होगा फुल, फुल नहीं बनाया जा सकता दिए गए लेटरों से। यहाँ तक क्लियर हुआ, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, इस चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इस चैप्टर को फिनिश करने की तरफ बढ़ेंगे। अब हम सीधा क्वेश्चनों पर जाते हैं, अब एग्जाम्पलर यहाँ पर ख़त्म हुए, टाइप वन क्वेश्चन करते हैं। क्लियर, क्वेश्चन ये है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बड़े अक्षरों में एक शब्द बना दिया गया है, शब्द दिया गया है जिसके पश्चात चार शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। ये अक्षरों का प्रयोग करके केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है, उस विकल्प का चयन करें। टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन इस प्रकार दिए गए हैं कि जो क्वेश्चन दिया जा रहा है रिप्यूटेशन दिया गया है, इस रिप्यूटेशन से ये ढूंढना है कौन सा लेटर बनाया जा सकता है। दिए गए ऑप्शनों में रिप्यूटेशन से कौन सा लेटर बनाया जा सकता है, चेक करते हैं टी यू टी ओ आर है क्या ऊपर, टी यू टी ओ आर है ऊपर, टी यू टी ओ आर है तो ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अगर बात करता हूँ पोंडर तो पी ओ एन डी ई आर जो दिए गए शब्दों से बनाया जा सकता है, तो ट्यूटर बनाया जा सकता है, टी यू टी ओ आर, इधर करेक्ट आंसर होगा ट्यूटर, पोंडर नहीं बनाया जा सकता, गलत। अगर बात करता हूँ रिटायर तो इसमें रिप्यूटेशन में एक आर है जबकि रिटायर में दो आर हैं, क्लियर, ये भी नहीं बनाया जा सकता। पोंडर की बात करता हूँ तो पोंडर में कौन सा लेटर नहीं है, पोंडर में डी लेटर है जो रिप्यूटेशन में नहीं है, रिक्वायर में क्यू नहीं है, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा ए आपका। यहाँ तक क्लियर सभी को, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूँ तो इसमें दिया है कंपोनेंट्स। अब बात करते हैं कौन सा लेटर बनाया जा सकता है, ओनली ये ढूंढना है तो ओ पी ई एन है क्या ऊपर, ओ पी ई एन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें ई दिया गया है, ओ पी आई यू एम ऊपर यू लेटर नहीं है इसलिए ये भी नहीं है, ओ पी नी एन। अगर बात करता हूँ अब नेशन, नेशन में चेक करो टी दिया गया है, टी ऊपर वाले में कहीं पर नहीं है तो करेक्ट आंसर होगा सी, इधर करेक्ट आंसर सी होगा आपका। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, डेडिकेट पर पहुँचता हूँ, डेडिकेट से कौन सा लेटर बनाया जा सकता है, टी ई सी आई डी ई जी डिसाइड बनाया जा सकता है, पहले ही लेटर मिल गया तो आपको अदर ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर बात करता हूँ, अगर आप बात करते हो डिमांड, डिमांड इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें ऊपर वाले लेटर में एम नहीं दिया गया है, ऊपर वाले बर्ड में एम नहीं दिया गया, सॉरी लेटर नहीं बर्ड। अगर बात करता हूँ ड्रेड, ऊपर वाले बर्ड में आर नहीं दिया गया है, ऊपर वाले बर्ड में यू नहीं दिया गया है, इसलिए ये तीन ऑप्शन नहीं है, डिसाइड आपका करेक्ट आंसर है। अगर बात करता हूँ मेजरमेंट, मेजरमेंट में कौन सा ऑप्शन होगा आपका, मेजरमेंट की बात करता हूँ तो मेजरमेंट में ए डबल एस यू आर ई एश्योर, एश्योर इसलिए नहीं हो सकता कि उसमें एक एस दी गई है, इसमें दो एस दे दी गई हैं। ठीक है, क्लियर, एश्योर हट गया। मेंटाइल की बात करता हूँ, मेंटाइल एम ए एन एम ए एन टी आई, यहाँ पर आई नहीं दी गई है ऊपर वाले लेटर में, आप चेक कर सकते हैं। अगर बात करता हूँ मास्टर, एम ए एस टी ई आर एम ए एस टी ई आर जी मास्टर बन सकता है। अब बात करता हूँ सबमिट क्यों नहीं बन सकता, सबमिट को चेक करते हैं तो ऊपर वाले लेटर में एम नहीं दी, आई नहीं दी गई है, इसमें आई दी गई है, क्लियर, यहाँ तक करेक्ट आंसर हुआ। अब बात करता हूँ पाँचवें क्वेश्चन की, मुस्पोपा उपोतित, थोड़ा अटपटा शब्द है, आपको चेक करना है नीचे वाले शब्द बन सकते हैं या नहीं। आप चेक करेंगे ऊपर दिए गए बर्ड में एक एम दी गई है जबकि इसमें दो एम दी गई हैं तो ये वाला लेटर नहीं हो सकता, क्लियर। अब बात करता हूँ प्लेंटिव, पी एच आई, अगर आप ऊपर वाले लेटर में बात करोगे तो एल नहीं दी गई है, इसमें एल दी गई है, ये भी नहीं बन सकता। अब बात करते हैं हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस की बात करता हूँ एच आई डबल पी ओ, हिप्पोकैम्पस सी नहीं दी गई है ऊपर वाले लेटर में अगर चेक करती हो तो आप। अब हिप्पोपोटामस चेक करते हैं एच आई डबल पी ओ, पी ओ
TAMUS सही है, करेक्ट फोर आंसर होगा इसका करेक्टेड आंसर। अब बात करता हूँ इन्फॉर्मेशन में बात करता हूँ तो फार्मर बन सकता है क्या, तो FARMER ई नहीं दिया गया है इसमें, तो फार्मर नहीं बन सकता, ई नहीं दिया गया है। मोशन की बात करता हूँ MOTION मोशन बन सकता है, देखो इसमें चेक करो, डबल ओ दिया गया है ऊपर, एम भी दिया गया है, टी आई ओ तो है ही, एन भी है, कोई इश्यू नहीं है, मोशन बनेगा। नेम नहीं बन सकता क्योंकि ए नहीं दी, एन ए एम ई नहीं दिया गया है, नेम इसलिए नहीं बन सकता। फायरमैन की बात करता हूँ तो फायरमैन ई नहीं दिया गया तो फायरमैन भी नहीं होगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ, छः क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। सातवें क्वेश्चन की बात करता हूँ, अरिस्टोक्रेटिक में आपका कौन सा लेटर बनाना संभव है, CRE ऊपर ई नहीं दिया गया है, सीधी सी बात है ऊपर वाले वर्ड में ई नहीं दिया गया है तो क्रिएशन तो हो ही नहीं सकता। स्टैटिक की बात करता हूँ, STATIC स्टैटिक बनेगा क्योंकि ST दिया गया है यहाँ पर, STATIC करेक्ट आंसर होगा स्टैटिक। इन्वायरमेंट की बात करता हूँ, इन्वायरमेंट में कौन सा लेटर बनाया जा सकता है, कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है इन्वायरमेंट से, इमिनेंट की बात करता हूँ, EMI है, NENT यस इमिनेंट बनाया जा सकता है, करेक्ट आंसर इमिनेंट होगा। अगर एंट्रेंस की बात करता हूँ तो ऊपर वाले लेटर में ए नहीं दिया गया है, सीधा हटाओ, इसमें भी ए दिया है, ए भी नहीं हो सकता। और मूवमेंट की बात करता हूँ तो इसमें डबल एम दिया गया है, उसमें इन्वायरमेंट में वन लेटर है, वन एम है, इसमें दो एम दी गई हैं, इसलिए एट का ए होगा। नाइन की बात करता हूँ, ब्लेंडी सीमेंट की बात करता हूँ तो इसमें कौन सा लेटर बन सकता है, ब्लेंडी सीमेंट में ओ नहीं दिया गया है तो पहला नहीं हो सकता, गलत। मेटल की बात करता हूँ, METAL मेटल बन सकता है, क्लियर है, मेटल इज द करेक्ट आंसर। सेफ की बात करता हूँ, SHAPE यहाँ पर पी नहीं दिया गया है ऊपर वाले लेटर में। अगर बात करता हूँ ORAS ऊपर वाले वर्ड में आर भी नहीं दिया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा आपका। अगर बात करता हूँ इंटेलिजेंस की बात करता हूँ तो INTE और GER ऊपर वाले लेटर में, इंटेलिजेंस की बात करता हूँ तो ऊपर वाले लेटर में आर नहीं दी गई है, इसमें भी आर दिया है तो ए भी नहीं हो सकता, इसको भी हटाओ। अब लीजेंड की बात करता हूँ, LEGEND ऊपर वाले लेटर में डी नहीं दी गई, ऊपर वाले वर्ड में डी नहीं दी गई है। बात करता हूँ नेगलेक्ट, तो NEGLECT यस नेगलेक्ट होगा इसका करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं टाइप सेकंड के क्वेश्चनों पर पहुँचते हैं हम, अब इसमें देखो क्या पूछ रहा है, ये चेक कर सकते हो आप, क्वेश्चन थोड़ा सा भी घूम सकता है, ज़्यादा भी घूम सकता है। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चुनिए जो दिए गए शब्दों को अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अभी तक हम क्या चेक कर रहे थे कि जो शब्द दिया जाता है उसी में से एक वर्ड बन रहा, जो वर्ड दिया गया था उनमें से कुछ शब्दों को लेकर, कुछ लेटरों को लेकर एक वर्ड बन रहा था और हमें वही ढूंढना था। अब बात करते हैं तो जो वर्ड दिए गए हैं, वो जो वर्ड दिया गया है उसमें से कुछ वर्णों को लेकर, जो वर्ड दिए गए उसमें से कुछ वर्णों को लेकर, कुछ लेटरों को लेकर तीन वर्ड बनाएंगे लेकिन एक वर्ड नहीं बनेगा, वही हमें ढूंढना है। क्लियर, बात करते हैं मर्चेंडाइज की बात करता हूँ तो देखो इसमें से कौन कौन से लेटर बन सकते हैं, हमें ढूंढना है जो ना बन सके इससे, तो CHANGE चेंज बन सकता है क्या। मर्चेंडाइज में बात करता हूँ तो चेंज इसमें जी नहीं दी गई है, मर्चेंडाइज में जी नहीं दी गई है, करेक्ट आंसर होगा जी ए। डाइस की बात करता हूँ तो डाइस बन सकता है, DICE हो सकता है, MESH दिया गया है ऊपर, चेक करो, MESH और CHARM भी दिया गया है। अब बात करता हूँ पोर्टफोलियो में से कौन सा ऐसा लेटर है जो नहीं बन सकता, तो RIFT बन सकता है, ये बनेगा भाई, रूप भी बन सकता है, RWF हो सकता है, रूप बन सकता है। अब FORT की बात करता हूँ, FORT फोर्ट भी बन सकता है, तो फिर आपका ऑप्शन ये बचा पोर्टी को नहीं बन सकता, फिर ऊपर वाले लेटर में सी नहीं दी गई, ऊपर वाले वर्ड में सी नहीं दी गई है और डी वाले ऑप्शन में सी दिया गया है, इसलिए ए वर्ड नहीं बन सकता। अपन को वही लेटर ढूंढना है जिसमें जो दिए गए वर्ड से नहीं बन सकता, तो पोर्टिको नहीं बन सकता, यहाँ तक क्लियर। कम्युनिकेशंस की बात करता हूँ, कम्युनिकेशंस में कौन सा आंसर होगा, ACTION एक्शन बन सकता है, एक्शन साफ साफ दिख रहा है बन रहा है। यूनियन की बात करता हूँ, UNION ये भी बन रहा है आपका यूनियन। अब बात करता हूँ नेशन, तो NATION नेशन भी बन रहा है। अगर बात करता हूँ अब यूनिसन,
ऊपर वाले लेटर में एस, ऊपर वाले वर्ड में कम्युनिकेशन में एस नहीं दी गई है, इसका करेक्ट आंसर डी होगा ऑप्शन। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। पनिशमेंट, पनिशमेंट में से, पनिशमेंट वर्ड से ऐसे कौन से वर्ड हैं जो नहीं बन सकता, आप चेक करते हैं MINT, क्लियर बन सकता है। MINT दिया गया है, मिंट बनेगा पनिशमेंट से। PEST पेस्ट भी बनेगा। अगर बात करता हूँ PUSH उस भी बनेगा। बात करता हूँ नेम नहीं बन सकता, क्योंकि पनिशमेंट में ए नहीं दिया गया है, जबकि ऑप्शन डी में एन के बाद ए दिया गया है। अब बात करता हूँ एंटरबेंसन, एंटरबेंसन में बात करता हूँ तो ENTER ऑप्शन में दिया गया है क्या, ENTER जी एंटर बन सकता है, एंटरबेंसन से एंटर बन सकता है। इंटेंशन तो INTENTION बन सकता है, इंटेंशन बन सकता है। और बात करता हूँ इन्वेंशन, INVE इन्वेंशन भी बन सकता है। अब बात आती है एंटरटेन, तो एंटरबेंशन में ए नहीं दिया गया है, एंटरटेन में ए दिया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी, ये वाला वर्ड नहीं बन सकता, एंटरबेंशन से एंटरटेन नहीं बन सकता। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। अब बात करता हूँ हिटरजीनियस, हिटरजीनियस शब्द से कौन सा शब्द नहीं बन सकता। यहाँ तक के लिए हिटरजीनियस की बात करता हूँ तो REGENT रीजेंटी नहीं बन सकता, क्योंकि हिटरजीनियस शब्द में एन नहीं दिया गया है और ए आपके ए ऑप्शन में ई के बाद एन दिया गया है, रीजेंट। तो सोलहवें का करेक्ट आंसर ए होगा आपका। यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं सत्रहवें क्वेश्चन की। यूनिक्यूबिको में कौन सा शब्द नहीं बन सकता, तो EQUAL बन सकता है, इक्वल बन सकता है, वोकल VOCL वोकल बन सकता है, QUINT ओके क्वाइंट नहीं बन सकता, क्योंकि ऊपर वाले वर्ड में टी नहीं दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर सी, NAIVE बन सकता है, NAIVE क्लियर बढ़ रहा है ओके। इसका करेक्ट आंसर सी होगा, क्योंकि ऊपर वाले वर्ड में टी नहीं दिया गया है। अब इम्पॉसिनेबल में ऐसा वर्ड होना है जो नहीं बन सके के, अब चेक करते हैं इम्पॉसिबल, तो यस इम्पॉसिबल भी बन सकता है, पॉसिबल भी बन सकता है, क्यों पॉसिबल आसानी से बन सकता है, कोई इश्यू नहीं है। अब बात करता हूँ इम्पोज, IMPOSE इम्पोज भी बन सकता है। अब ऑप्शन की बात करता हूँ इम्पेसिव, इम्पॉसिनेबल में कहीं पर भी नहीं दिया गया है, जबकि डी ऑप्शन में भी लेटर दिया गया है, आप देख सकते हो, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। यहाँ तक करेक्ट आंसर हुआ आपका, कोई इश्यू नॉट इश्यू। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, 19वें क्वेश्चन में पहुँचता हूँ। कॉम्बिनेशन में कौन सा वर्ड नहीं बन सकता, कॉम्बिनेशन वर्ड के लेटरों को मिलाकर कौन सा वर्ड नहीं बन सकता। नेशन बन सकता है, नेशन बनेगा आपका, एम्बिशन भी बनेगा, AMBITION बनेगा, एम्बिशन भी बनेगा भैया। अगर बात करता हूँ कॉजन, COU यस कॉजन नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें यू दिया गया है और जबकि उसमें यू नहीं दिया गया है, क्लियर, इसमें यू नहीं दिया गया है कॉम्बिनेशन में यू नहीं दिया गया है, जबकि सी वाले ऑप्शन में आपका यू दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा यू सी। अब क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ, क्वालिफिकेशन में कौन सा शब्द नहीं बन सकता, क्वालिफिकेशन शब्द के लेटरों को लेकर कौन सा शब्द नहीं बन सकता, यही क्वेश्चन है। तो चेक करता हूँ CAUTION यस क्वेश्चन बन सकता है, QUINT क्वेंट भी बन सकता है, QUAIL बन सकता है, क्वाल भी बन सकता है, क्वाड नहीं बन सकता, क्योंकि क्वालिफिकेशन में कहीं पर भी आर नहीं दी गई है, इसकी वजह से इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अब बात करता हूँ रिमेम्बरेंस शब्द के लेटरों का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन में, रिमेम्बरेंस शब्दों के रिमेम्बर REMBER रिमेम्बर बनाया जा सकता है, मेम्ब्रेंस MEMBRANC मेम्ब्रेंस भी बनाया जा सकता है। अगर बात करता हूँ नंबर NU, अब चेक करो आप, रिमेम्बर
रिमेम्ब्रेंस, रिमेम्ब्रेंस शब्द में कहीं पर भी यू दिया गया है नहीं दिया गया है, जबकि सी ऑप्शन में आपके में यू दिया गया है, तो इज द करेक्ट आंसर सी। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। अब बात करता हूँ रेशियोनेल, रेशियोनेल, रेशियोनेल शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, रेशियोनेल शब्द के लेटरों का प्रयोग करके कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। बात करता हूँ रेस, राइस, आर ए टी आई यू एन बनाया जा सकता है क्या, आसानी से बना सकते हैं, आर ए टी आई यू एन फर्स्ट में ही दिया गया है, आर ए टी यू एन बन सकता है, टी आर ए आई एल, टी आर ए आई एल टेल भी बन सकता है। अगर बात करें टोनर, टी ओ एन ई आर बनाया जा सकता है, टोनर भी बनाया जा सकता है। अब बात करता हूँ रीलेट, रीलेट नहीं बनाया जा सकता, आर ई एल ए टी ई, रीलेट क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि रोसियोनेल, सॉरी कहीं मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, आर टी आई ओ एन बन सकता है, टी ओ एन ई आर टोनर भी बन सकता है, टी आर ए आई एल ट्रेल भी बन सकता है, आर ई एल ए, आर ई एल ए, ओके रिलेट ही नहीं बन सकता क्योंकि इसमें दो ई दी गई हैं, जबकि रोसियोनेल में वन ई है। क्लियर, इधर करेक्ट आंसर डी होगा। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ यहाँ से, रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन में कौन सा शब्द है जो होगा आपका, कौन सा लेटर नहीं बन सकता, यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो रिफॉर्मेशन में आसानी से आप चेक कर सकते हो, रिफ्रेंड, आर ई एफ आर ए आई एन, आर ई एफ आर ए आई एन बन सकता है, रिफ्रेंड बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, रिफ्रेंड आसानी से बनेगा। अगर बात करता हूँ मोशन, एम ओ टी आई ओ एन, मोशन भी बन सकता है। अगर बात करता हूँ रिफ्रैक्ट, आर ई एफ आर ए सी टी, रिफ्रैक्ट नहीं बन सकता, इसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें सी दिया गया है रिफ्रैक्ट में, जबकि रिफॉर्मेशन में सी नहीं दिया गया है, इधर करेक्ट आंसर 23 का सी होगा। अब बात करता हूँ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में अगर कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है, क्वेश्चन आपको पता ही है कि इसमें कंस्ट्रक्शन शब्द के लेटरों से मिलाकर कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, कॉन्सर्न, सी एन सी ई आर एन बनाया जा सकता है, कॉन्सर्न, कॉन्सर्न बनाया जा सकता है, नेशन, एन ए टी आई ओ एन, एन ए टी आई नेशन भी बनाया जा सकता है। अगर बात करें टी आर ए आई एन, टी आर ए आई एन बनाया जा सकता है, इधर करेक्ट आंसर होगा सेंटर, इसका रीजन ये है क्योंकि इसमें डबल ई दिया गया है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन मैं बात करता हूँ तो उसमें एक ई दी गई है, जबकि सेंटर में दो ई दी गई हैं, इसी वजह से इसका करेक्ट आंसर डी होगा, 24 का डी करेक्ट आंसर होगा। 25 क्वेश्चन की बात करता हूँ तो मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून आपका प्रश्न में दिया गया है, मिसफॉर्चून शब्दों के लेटरों का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, एफ ओ आर टी बनाया जा सकता है, एफ ओ आर टी बनाया जा सकता है, टी यू आर एन बनाया जा सकता है, कोई इशू नहीं है, टी यू आर एन बनाया जा सकता है, एस ओ एफ टी, मिस एस ओ एफ टी बनाया जा सकता है, आर ओ एम नहीं बनाया जा सकता क्योंकि मिसफॉर्चून में, मिसफॉर्चून में ए नहीं दिया गया है, जबकि रोम में ए दिया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी। और बात करता हूँ 26 क्वेश्चन की, कॉम्प्रिहेंशन में से सब कॉम्प्रिहेंशन शब्दों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं, कॉम्प्रिहेंशन शब्दों के लेटरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, कंप्राइज, सी यू एम पी आर आई एस सी, कंप्राइज बनाया जा सकता है, पेंशन, पी ई एन एस आई यू एन, पी ई एन एस आई यू एन पेंशन भी बनाया जा सकता है। अगर बात करें ओनियन, ओ एन आई ओ एन, ओ एन आई ओ एन ओनियन भी बनाया जा सकता है, आपका ऑप्शन ही डी बचा तो आसानी से लगा सकते हो। प्रीच, प्रीच की वजह बताता हूँ मैं अभी, इसमें कॉम्प्रिहेंशन में ए नहीं दिया गया है, जबकि प्रीच में ए दिया गया है, ए की वजह से 26 का आंसर डी होगा। यहाँ तक क्लियर सभी को। अब बात करता हूँ सोशियोलाइजेशन, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करता हूँ, सोशलाइजेशन के शब्दों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो एस सी ओ यू टी, एस सी ओ यू टी स्क्वेटी नहीं बनाया जा सकता, सोशलाइजेशन शब्द में यू नहीं दिया गया है, जबकि स्क्वेट शब्द में यू दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा यू की वजह से। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। अब थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, 28 क्वेश्चन की बात करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटोड, एडमिनिस्ट्रेटोड में के शब्दों के लेटरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, एडमिट, ए डी एम आई टी, एडमिट बनाया जा सकता है, कोई इश्यू नहीं है, एडमिट बनाया जा सकता है, कोई इश्यू नहीं है,
नेस्ट एन ई एस टी नेस्ट नहीं बनाया जा सकता। एडमिनिस्ट्रेटर शब्द में ई का प्रयोग नहीं किया गया है जबकि एन ई एस टी नेस्ट शब्द में ई का प्रयोग किया। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। रिपब्लिकन रिपब्लिकन की बात करता हूँ। रिपब्लिकन शब्दों का के लेटरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। रिपब्लिकन में बात करता हूँ सी एल आई पी रिपब्लिकन सी एल आई पी बनाया जा सकता है के लिए बनाया जा सकता है। पी यू आर ई प्योर भी बनाया जा सकता है। ए एन के एल ई ए एन के रिपब्लिकन शब्द में के का कहीं पर प्रयोग नहीं किया गया है। जब ये बात करते हैं एंकल में ए का प्रयोग किया गया है, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर सी होगा। 29 का करेक्ट आंसर सी होगा। अब बात करता हूँ स्ट्रेंज स्ट्रेंज शब्दों के लेटरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो जी ई एन ई आर ए टी ई जी ई एन ई आर ए टी ई यस जनरेट नहीं बनाया जा सकता। अगर बात कर देंगे स्ट्रेंज में डबल ई मतलब दो ई दी गई हैं जबकि बात करें जनरेट में तीन ई दी गई हैं, इसी वजह से आपका करेक्ट आंसर होगा 30 का ए। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब 31 की बात क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो इंडिटर्मिनेट इंडिटर्मिनेट के शब्दों का शब्द के लेटरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। इंडिटर्मिनेट इंडिटर्मिनेट में बात करता हूँ तो देखो डिटरमाइन डी ई टी ई आर एम आई एन ई डिटरमाइन शब्द बनाया जा सकता है। डिटरमाइन शब्द बन रहा है। आर ई टी आई क्लियर है। एन यू ई ओके ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। इसका रीजन है यू क्योंकि इंडी टर्मिनेट में कहीं पर भी यू नहीं दिया गया है जबकि रिटिन यू में यू दिया गया है, इसी वजह से 31 का भी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ। अब बात करता हूँ इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ तो कौन सा शब्द इंस्ट्रक्शन शब्द के लेटरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। इंटू आई एन टी ओ बनाया जा सकता है आई एन टी ओ बनाया जा सकता है आसानी से कोई इश्यू नहीं है। अब बात करता हूँ एस ओ एन बनाया जा सकता है। राउंड R O U N D इंस्ट्रूकेशन शब्द के में कहीं पर भी D का प्रयोग नहीं किया गया है जबकि राउंड में D का प्रयोग किया गया है, इसलिए 32 का करेक्ट आंसर D होगा C होगा राउंड। अब बात करें रिट्रेंचमेंट रिट्रेंचमेंट शब्द के लेटरों का प्रयोग करके कौन शब्द नहीं बनाया जा सकता। C H E R बनाया जा सकता है चीर। अगर बात करता हूँ एंटर ई एन टी ई आर एंटर भी बनाया जा सकता है चीर भी बनाया जा सकता है। मीटर बात करता हूँ एम ई टी आर ई मीटर भी बनाया जा सकता है, नेवर नहीं बनाया जा सकता क्योंकि रिट्रेंचमेंट में कहीं पर भी का प्रयोग नहीं किया गया है और नेवर में भी का प्रयोग किया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी। यहाँ तक क्लियर। अब बात करता हूँ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की अप्रोप्रीटेली अप्रोप्रीटेली शब्द के लेटरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। आर आई पी ई बनाया जा सकता है आर ए एल वाई बनाया जा सकता है। अगर बात करता हूँ अप्रोच ए डबल पी आर ओ ए सी एच अप्रोच नहीं बनाया जा सकता क्योंकि अप्रोप्रीटेली में कहीं पर भी सी का प्रयोग नहीं किया गया है जबकि अप्रोच में सी का प्रयोग किया गया है, इसलिए 34 का करेक्ट आंसर होगा सी। अब बात करता हूँ 35 क्वेश्चन की। इंस्टीट्यूशन लास्ट इंस्टीट्यूशन लास्ट शब्द के प्रयोग का शब्द के लेटरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। इंस्टीट्यूट बनाया जा सकता है आसानी से। टी यू आई टी आई ओ एन टी यू आई टी आई ओ एन ट्यूशन भी बनाया जा सकता है। एक चीज़ अभी मैं आज एक स्टोरी देख रहा था, मतलब वैसे ही मैं रील देख रहा था इंस्टाग्राम पर, तो मुझे पता चला कि जो उसमें मतलब ट्यूशन की मीनिंग पूछ रहा था तो ट्यूशन की करेक्ट मीनिंग यही होती है टी यू आई टी आई ओ एन टी यू टी आई ओ एन नहीं होता है टी यू आई टी आई ओ एन इज द करेक्ट आंसर ट्यूशन मीनिंग। ओके ये वोकैबुलरी के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि ट्यूशन की मीनिंग क्या है टी यू आई टी आई ओ एन। अब बात करता हूँ नेशनल एन ए टी आई ओ एन एल एन ए टी आई ओ एन ए अच्छा एल ओके नेशनल शब्द भी बनाया जा सकता है। ट्यूटर ट्यूटर की बात करें टी यू आई टी ओ आर
ओके इंस्टीट्यूशनलाइज्ड में कहीं पर भी आर नहीं दी गई है जबकि ट्यूटर में आर दी गई, इसी वजह से 35 का डी इज द करेक्ट आंसर। ओके अब बात करता हूँ 36 क्वेश्चन की, 36 क्वेश्चन की बात करता हूँ तो ऑर्गेनाइजेशन में शब्द के लेटरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। स्ट्रॉन्ग एस टी आर ओ एन जी स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, कोई इश्यू नहीं है। अब बात करता हूँ ऑरेंज ओ आर ए एन जी ये ऑरेंज नहीं बनाया जा सकता क्यों, ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर भी ई शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है जबकि ऑरेंज में ई शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका करेक्ट आंसर 36 बी। अब बात करता हूँ इनसाइक्लोपीडिया शब्द के लेटरों का प्रयोग करके कौन शब्द नहीं बनाया जा सकता। साइकिल CYCLE बनाया जा सकता है साइकिल। अगर बात करता हूँ PENCIL बनाया जा सकता है पेंसिल भी। योक YOKE यस इन साइक्लोपीडिया में कहीं पर भी के का प्रयोग नहीं किया गया है जबकि योक में के का प्रयोग किया गया है। इसका 37 करेक्ट आंसर सी। ओके 37 करेक्ट आंसर सी होगा। अब क्वेश्चन बात करता हूँ करेजियस शब्द के लेटरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। बात करता हूँ सिक्योर SECURE सिक्योर बनाया जा सकता है। ओके सिक्योर नहीं बनाया जा सकता, इसका रीजन ये है क्योंकि डबल ई दी गई है इसमें सिक्योर शब्द में जबकि कोरेजियस शब्द में 1 ई दिया गया है जबकि सिक्योर शब्द में 2 ई दी गई हैं, इसी वजह से 38 का ए आंसर होगा करेक्टेड। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर 3 पढ़ाया जाएगा, आप फास्टेस्ट रिवीजन के लिए जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।